మాట్లాడండి. వాయిస్ తీసుకోవటం, हम इसी कानून पर जिएंगे और इसी कानून पर मरेंगे और इस शरीयत के अंदर हम जरा सी भी मुदाखलत बर्दाश्त करने के वास्ते तैयार नहीं है। और जो भी अगर कोई इसके अंदर शरीयत में कोई मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लोग अपनी तरीके से अपना जी लें, लेकिन हमको जो शरीयत अल्लाह ताला बताए और हमारे रसूल जो हमको बताए उस शरीयत पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और मरे तक हम इसी शरीयत पर अमल करके ही रहेंगे और अमल करके ही मरेंगे। और इसके अंदर कोई मुदाखलत करना चाह रहे हैं तो इस मुदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी मजम्मत कर देंगे और इसको हम नहीं होने देंगे, आगे तक पहुंचाने नहीं देंगे इस बिल को। और इस बिल को वापस ले ओ, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इसके वास्ते एहतजाज कर रहे हैं और ये बिल वहां तक पास नहीं होना और बिल वापस ले लेना बल्कि हम बोल रहे हैं राज्यसभा में लाने से भी इस बिल को रोका जाए। इसलिए हमारा ये कोशिश है, इसलिए हमारी ये रैली निकली सो है और ये हमारी कोशिश है कि इसको राज्यसभा में जाने से भी रोका जाए और इस बिल को हम पास करने से रोकने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और इस जमा में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जलसा अच्छा होगा और हमारा ये बिल पास होने से रुकेगा, बल्कि हम इतने जुस्तजू के साथ यहाँ पर आए और हमारे ये जमा होने को उसमें रखते हुए ये बिल को पास ना करें बल्कि बिल को वापस ले लें। मुस्लिम पर्सन वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्लिम मुसलमानों में नहीं है, वो मुसलमान खवातीन को शरीयत प्यारी है, लेकिन चंद खवातीन ऐसे है जो शरीयत की मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जीना है तो दूसरे तरीके से जी लें, लेकिन हमारे शरीयत में हम किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। चलो।